हाय फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना एक एक्सपीरियंस। इस कार को लगभग 2 साल जो है वो अब पूरे हो चुके हैं, 4 नवंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे। और ये कार जो है कितने किलोमीटर चल चुके हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे 27,728 किलोमीटर ये कार जो है वो चल चुकी है अभी तक। और इसके माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आप ट्रिप बी में देख सकते हैं 316 किलोमीटर जो है वो मैं चल चुका हूँ, और 17.8 की माइलेज जो है वो आपको दिखा रही है। सिटी मोड पे मैं चलता हूँ और माइलेज से हमें कोई भी परेशानी नहीं है इसकी माइलेज से। यहाँ पे एक बहुत ही इरिटेट करने वाली चीज़ जो है इस कार में है, जो कि आपको बार बार यूज भी करना है और उसमें आपको काफ़ी परेशानी भी होती है, और वो चीज़ क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। इतने दिनों से मैं इसे देख रहा हूँ और कभी कभी जो है आपको बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ के कारण, और वो चीज़ है यहाँ की आई आर बी एम जो है। जब आप इस तरह की ख़राब सड़कों पर चलते हैं या फिर आप हाईवे पे भी चलते हैं तो उस टाइम जो है ये IRBM बहुत ज्यादा हिलती है और ORBM भी बहुत ज्यादा हिलती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे आपको बहुत परेशानी होती है जब भी आप अपने से पीछे की ओर या फिर कार को या फिर बाइक को देखते हैं, तो वहां पे जो है आपको क्लियरली एक दिखाई नहीं देती है, वो चीज दिखती है लेकिन ये ब्लिंक जो करता है हिलती ज्यादा है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी होती है और IRBM से भी परेशानी होती है। तो ये चीज जो है थोड़ी सी टाटा को सुधारनी चाहिए। मेरे घर में i20 है, उसमें इस तरह की समस्या नहीं होती है। जब भी आप मैं उस कार को चलाता हूँ इसी सड़क पे, इसी रोड पे, और वहां पे कोई समस्या नहीं होती। अभी मैं रामगढ़ जा रहा हूं और ये चीजें मुझे अभी जो है काफी खराब लगी, तो मुझे लगा कि आपको भी मैं बता दूं। और बाकी इस कार की जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छी है इस कार के साथ मेरी, क्योंकि यहाँ पे राइड एंड हैंडलिंग में कोई भी समस्या आपको नहीं होती। इसके ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी कोई समस्या नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए, जब आप चलते हैं तो IRBM जो है वो काफ़ी ब्लिंक करती है, हिलती है, जिसके कारण पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कार या बाइक होते हैं उसको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी टाटा को सुधार करनी चाहिए। यहाँ पे IRBM जो है वो भी काफ़ी हिलती है। अगर आपके पास टाटा टिगोर होगी तो उस पर आप गौर करें, और उसमें आपको पता भी चल गया होगा कि जब भी आप इस तरह की रास्तों पे चलते हैं तो IRBM और ORBM दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, जिससे आप पीछे का व्यू या फिर पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं उसको देखने में थोड़ी सी आपको सिरदर्द जैसी समस्या जो है वो होती है। तो ये चीज़ें मुझे जो है काफ़ी ख़राब लगी। बाकी ऑल ओवर इस कार की परफॉर्मेंस देखें तो मुझे इससे कोई भी समस्या नहीं होती है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए अगर आप टाटा टिगोर लेना चाह रहे होंगे, या फिर अगर आपके पास टाटा टिगोर होगी तो आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी। और बस यही मुझे लगा कि यही चीज़ें आपको बता दूं ताकि आप इस चीज़ को नोटिस करें। अगर आपके साथ भी या फिर आपके पास भी टाटा टिगोर होगी या टियागो होगी और इस तरह की समस्या होगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये सिर्फ मेरी कार में है या फिर आपकी कार में भी इस तरह की समस्या होती है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।